नमस्कार, मैं हूं रीमा प्रसाद। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं मुख्यमंत्री में आप सभी का स्वागत है। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने तीसरी बार राजस्थान की कमान संभाली है। गहलोत हमेशा प्रदेश के विकास में जुटे रहते हैं और किस तरह जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री के कुछ पुराने भाषणों का जिक्र करेंगे जिस गहलोत जनता को कोई ना कोई संदेश देते नजर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और अब बात 19 फरवरी 2010 के भाषण की करते हैं। मुख्यमंत्री ने 19 फरवरी 2010 को गरीबी उन्मूलन पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया था और देश में घटने वन क्षेत्र पर चिंता जाहिर की थी। मुझे पूरा यकीन है कि दो दिन तक जब आप बैठेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो चिंतन होगा, मनन होगा, आपसे विचार विमर्श होगा, उससे आप लोग अपने अनुभवों को, जो विभिन्न राज्यों से आए हैं हमारे साथी लोग, वो आपस में अपने अनुभवों को उनका आदान प्रदान करेंगे। एक दूसरे के राज्य के लोग उससे कई नई बातें सीख सकेंगे और अपने अपने राज्यों में भी उसका उपयोग होगा। और किस प्रकार से जो विषय रखा गया है उस विषय को लेकर के जब आप चिंतन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो इस संगोष्ठी का कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और आजीविका सुनिश्चित करने का उन लोगों के लिए, विशेष रूप से जो फॉरेस्ट एरिया के आसपास में रहते हैं, और बाय लार्ज मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को इसका लाभ मिले, इस दिशा में भी आपका मूल्यांकन यहाँ पर बैठ के हो सकेगा। किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हो, किस प्रकार से ये जो संदेश है इसका आचार प्रचार प्रसार हो, ये तमाम काम जो है मैं समझता हूँ कि आप लोग जब बैठेंगे तो निश्चित तौर से जो निष्कर्ष निकलेगा उसका आने वाले वक्त में प्रदेश के अंदर भी और देश के अन्य राज्यों के अंदर भी उसका लाभ मिल सकेगा। विषय कितना महत्वपूर्ण है और वृक्षारोपण और वन लगाना कितना महत्वपूर्ण है, ये आप लोग सब भली भांति जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि हमारी महान नेता इंदिरा गांधी जब थी देश की प्रधानमंत्री, तब पहली बार देश के अंदर और दुनिया के अंदर पर्यावरण को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के जिस रूप में उनकी सोच थी और जो उनकी चिंताएँ थी, जो वक्त वक्त पे उन्होंने प्रकट की, पूरे देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया कि क्या महत्व है प्राकृतिक संसाधनों का, क्या महत्व है वृक्ष का, क्या महत्व है पर्यावरण का और प्रदूषण के क्या खतरे हैं। उसके बाद में रियो के अंदर जब सम्मेलन हुए और कई राष्ट्र अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के इकट्ठे हुए और पूरी चिंता व्यक्त की गई, तब जाकर के अब पूरी देश और दुनिया के अंदर एक नया माहौल बनाया कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके खतरे कैसे पैदा हो गए हैं दुनिया के सामने, ये तमाम बातें आज अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो, सब लोग बैठ के एक साथ में इन बातों को करना पड़ रहा है। इसलिए एक तरफ तो पर्यावरण के संतुलन को लेके, प्रदूषण के खतरे को लेके जब हम बात करते हैं तो स्वतः ही बातें आती है कि इसके मूल में क्या है। अगर हम लोग जो हालात हो रहे हैं फॉरेस्ट एरिया के, अभी मेरे पूर्वक आगे दे रहे थे किस प्रकार पूरे देश के अंदर हालात हैं, राजस्थान के अंदर 9% फॉरेस्ट एरिया सिर्फ, जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन है कि 33% तक एरिया हो, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बरसों से, सदियों से तो हमारे वृक्ष और वन खड़े थे, धीरे धीरे जो हालात बदले हैं देश के अंदर उसके कारण ही वनों की कटाई धीरे धीरे होती रही और आज उसको लेकर हम चिंतित भी हैं।
पर खाली चिंता करने से काम नहीं चलेगा। जब तक कि हम लोग यहाँ बैठ करके जब आप चर्चा करते हैं तो स्वतः ध्यान में आएगा किस प्रकार से हम वापस उस दिशा में बढ़ें जिससे कि वापस वन क्षेत्र आगे बढ़ सकें, वन क्षेत्र में उपज उस प्रकार की हो जिससे कि उसका उपयोग हो सके, उससे आजीविका मिल सके, गरीबी का उन्मूलन हो सके। और ये तभी संभव होगा तब धीरे धीरे लोगों की मजबूरी भी हम समझ पाएंगे। अगर हम मजबूरी नहीं समझेंगे तो ये काम भी कभी नहीं हो पाएगा। आप जीवन समिति अभी आपने बनाई, मुझे बताया गया 4916 वन सुरक्षा समितियाँ बनाई गई है और प्रबंधन व सुरक्षा का काम जो करे करीब 7-8 लाख हेक्टेयर वन में कर रहे हैं। ग्रामीण युवकों को लेकर वन मित्र योजना का भी मुझे उल्लेख किया गया। ये तमाम बातें अपनी जगह बहुत सही है और उसके माध्यम से काफ़ी बड़ा काम हुआ भी है जिसके बारे में भी आपने सुना। पर मेरा मानना है कि जो मजबूरियाँ गाँव की रही है, गरीबों की रही है और जिसके कारण वनों की बड़े रूप में कटाई भी हुई है, उन मजबूरियों को भी हमें समझना पड़ेगा। और इसीलिए इस विषय का महत्व बढ़ जाता है। ये मजबूरियाँ आएगी सामने तो स्वतः ही रास्ता दिखेगा कैसे हम उनकी मजबूरियों को समाप्त करें, कैसे उनको उन वृक्षों से उनके महत्व को समझाएं, किस प्रकार से आज जो अभी बात प्रदर्शनी लगी हुई थी जिसमें फर्नीचर बने हुए थे या सौंठ या आंवला को किस प्रकार से उन्होंने तैयारी कर रखी थी, एलोवेरा के नाम से किस प्रकार बॉटलिंग हुई ग्वारपाटे के जूस की, ये तमाम बातें हमारे मुल्क में तो सदियों से और हमारे संस्कार में ही बातें हमेशा रही हैं। और हमारे यहाँ तो जिस रूप में लोगों ने जो धार्मिक भावना अपने अंदर पैदा कर रखी है, चाहे बर्ड हो, पीपल हो, आंवला हो, ये सब विभिन्न अवसरों पर इनकी पूजा की जाती रही है। पर समय के साथ साथ में मैं समझता हूँ कि किस प्रकार से हम वन में वो उपज वो पौर पर पौधे लगे जिससे कि एक तरफ तो ग्रामवासियों का उनको लगे कि इनके माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलेगा। अगर हमने वन समाप्त करते गए तो हमारी वर्तमान पीढ़ी को तो हालात ख़राब हो ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार की सोच के साथ में अगर मैं समझता हूँ कि हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो उसका लाभ आने वाले वक्त में नए रूप में बड़े रूप में मिल सकता है। किस प्रकार हम एनजीओ का सहयोग लें वो आपको हमको सोचने की बात है। एनजीओ का अपना महत्व है, इसमें कोई दुराय नहीं कि वन सुरक्षा समिति बनी है, परंतु आज पेड़ पौधे भी कहाँ मिलते हैं। अगर हम लोगों ने हरित राजस्थान की बात करी जिसका जिक्र मेरे पूर्व साथियों ने किया, एक माहौल पूरे प्रदेश में बना। हरित राजस्थान को लेकर हमने नरेगा से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है उसे जोड़ा, हमने साधनों की कमी नहीं रही, हर जिला प्रशासन ने अच्छा काम करने का प्रयास किया। डूंगरपुर कलेक्टर ने तो कुछ 2.5 लाख पौधे लगाए, एक रिकॉर्ड काम किया, उनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम भी सर्टिफाई हुआ। ये तमाम बातें होने के बाद में मानसून फेल हुआ और मानसून फेल होने के साथ साथ में वो जो अभियान था वो अभियान धीमा हो गया, रुक सा गया। तो ये तमाम बातें इसमें जुड़ी हुई है। अब बात एक और पुराने भाषण की करते हैं। ये भी सितंबर 2009 का ही भाषण है जिसमें मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों का जिक्र किया था। सबसे पहले मैं गर्ग सिंह जी साहब को व इनके तमाम परिवार के सदस्यों को इस बात के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने युवराज शिवराज सिंह ट्रॉमा सेंटर बनाने का निश्चय किया। युवराज शिवराज सिंह के बारे में आपको मालूम है किस प्रकार वो दुर्घटना के शिकार हुए जयपुर के अंदर पोलो मैच के दौरान में। उस वक्त भी जब मैं दिल्ली में था तो मुझे मालूम पड़ा कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं सीधा SMS गया था। फिर मैं
बम्बई हॉस्पिटल में भर्ती थे, राजमाता साहब वहीं थी, तब मैं उनसे हालचाल पूछने गया। तो मैं इस बात के लिए राजमाता साहब को, गर्सिंह जी को, श्रीमती गर्सिंह जी को, तमाम परिवार के सदस्यों को दाद दूंगा कि उन्होंने, इतनी बड़ी घटना हुई परिवार में, नौजवान थे, प्रॉमिसिंग पर्सनैलिटी थी, इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर भी हिम्मत से काम लिया, क्योंकि पूरे जोधपुर, मारवाड़ नहीं बल्कि राजस्थान के लोगों की दुआएं उनके साथ थी, और पूरे मारवाड़ ने, जोधपुर के लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की। इस कारण से उस दुर्घटना के बावजूद भी जब कभी मिला, जब शाम को पहुंच गया मैं, तब भी मैंने देखा पूरी हिम्मत के साथ में श्रीमती गर्सिंह जी सबको संभाल रही थी, बल्कि वो सांत्वना दे रही थी कि नहीं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो घटना मुझे याद है कि मैं बहुत प्रभावित हुआ, और आज मेरा आने का, जो मैंने डॉक्टर विजय बालानी को फ़ोन किया, क्योंकि गर्सिंह जी ने मुझे 30 तारीख के लिए रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मेरा आना संभव नहीं हुआ क्योंकि नागौर के अंदर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी आ रही है 2 अक्टूबर को, तो मैंने इनको मना कर दिया। और एक फैक्स मेरे पास में आया डॉक्टर विजय बालानी का कि नहीं, अगर आप कहेंगे तो हम टाइम चेंज कर देंगे, डेट चेंज कर देंगे। तो मैंने, मेरा प्रोग्राम आज भी शायद हो सकता, मैं कल आया तो नहीं आ पाता, मेरा प्रोग्राम अदर झूल में चल रहा था, कल मैं नागौर गया था। और फिर मैंने कहा, जब मैंने खुद ने प्रीपोन करने के लिए बात की है तो अब मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि शिवराज सिंह जी के नाम का ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने उनके नाम का ट्रॉमा सेंटर बनाने का निश्चय किया। आप हम सब लोग बुद्धिजीवी हैं, जानते हैं, समझते हैं कि ट्रॉमा सेंटर का क्या महत्व होता है ज़िंदगी के अंदर, और उस व्यक्ति की ज़िंदगी में जो ज़िंदगी मौत से जूझता है एक्सीडेंट होने के बाद में। डॉक्टर लोग बैठे हुए, कई लोग, उन सबको मालूम है कि जब एक्सीडेंट किया जाता है अस्पताल के अंदर, तो क्या बीतती डॉक्टरों पर जो संवेदनशील होते हैं, उन पर क्या बीतती है, उन परिवारों पर जिनके घर में किसी एक्सीडेंट केस को लाया गया अस्पताल के अंदर, क्या माहौल होता है अस्पताल के उस एमरजेंसी के अंदर, घर वालों को जब टेलीफोन पहुँचते हैं एक्सीडेंट हो गया है, उसी दिन उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। अब तो कानून बदल गया है, पहले तो ये था कि अगर एक्सीडेंट केस आ गया तब भी डॉक्टर कहते नहीं था, पहले ये MSC का केस है, चाहे वो मर्दा हो बनेगा। हमारे वक्त में हमने बदला उस चीज़ को, एक बार जब एक्सीडेंट होकर आता है तो ये मत पूछो MSC केस है क्या, एक बार उसका इलाज शुरू कर दो। आज भी इस बात की जरूरत है कि किस प्रकार से एक्सीडेंट होते ही 3108 के एम्बुलेंस की स्कीम जो है, दुर्मिया साहब अभी कह रहे थे, बहुत शानदार स्कीम है, सब जगह उसकी बहुत तारीफ हो रही है। उन तमाम प्रदेशों के अंदर, मैं अभी आंध्र प्रदेश गया था, वहाँ पर आंध्र प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे वो स्टेट में लिखा मध्य प्रदेश या कुछ है, 3-4 राज्यों में चल रहा है 108 आज इस रूप में चल रहा है कि राजस्थान के अंदर असेंबली के अंदर भी, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सब पक्षों के लोग उसकी तारीफ करते हैं। पर जब तक जो मुझे ब्रीफ किया गया है कि शिवराज सिंह ट्रॉमा सेंटर के माध्यम से जो एम्बुलेंसेज यहाँ पर है ऑलरेडी, और एम्बुलेंसेज वैली क्यों आने वाली है, उसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि जो कमी रहती है उसको पूरा करने में काफ़ी हद तक ये ट्रॉमा सेंटर और ये राजदादीसा का हॉस्पिटल बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा। क्योंकि कितनी बड़ी हम लोग प्रयास कर लें सरकारी स्तर पर, उसे काम चलता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का अपना बहुत बड़ा महत्व है हर क्षेत्र के अंदर, आजकल तो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक कंसेप्ट चल रहा पूरा राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर, उसको लेके हमेशा उनका इन्वॉल्वमेंट करने के कई फायदे भी होते हैं। खाली कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती है, अगर पब्लिक का इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट के साथ में अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रोग्राम कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हर काम में आजकल NGO को इन्वॉल्व करने का भी प्रयास सरकारें करती है, भारत सरकार भी करती है, राज्य सरकार भी करती है। कई योजना ऐसी राजस्थान के अंदर भी होगी चाहे जो
एनजीओ के माध्यम चलाने का प्रयास किए जाते हैं। मैं समझता हूँ मेडिकल साइंस जिस रूप में प्रगति की है पूरी दुनिया के अंदर उसका कोई जवाब नहीं है। मेडिकल साइंस ने लाजवाब प्रगति की है, स्पेशलिटी किस रूप में बढ़ी है, हर अंग की, हर बीमारी की। मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद भी ये जो ट्रॉमा सेंटर और जो एक्सीडेंट के केसेस की बात है उसके अंदर कई खामियाँ की कमी हैं, उसको दूर करने आ सकता है। एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, कितने लोग मरते हैं वो कल्पना कर सकता है। वो मेरे पास फिगर आया अभी 1 मिनट 9 सेकंड, मैंने करीब एक आदमी मर जाता है 1 मिनट 9 सेकंड के अंदर एक आदमी मर। पूरे देश के आंकड़े उठाए, लाखों के अंदर है जो एक्सीडेंट से मर रहे हैं। अखबार में पता नहीं छपता ही छपता, आजकल तो अखबार के संस्करण हर जिले के हो गए हैं। मैं जयपुर में देखता हूँ कि बीकानेर, सीकर, फला जगह आज 5 मर गए, आज 9 मर गए, आज 12 मर गए रोड एक्सीडेंट से भी। वो लोड चलाते जीपे में बैठ रहे, स्पीड 8 की है और आप काशी में 35 ही बैठ सकते हैं, 40 बैठ सकते, 50 बैठ सकते। ये हकीकत है, एक जीप में आगे पीछे बॉनेट पर ड्राइवर के लेफ्ट में राइट में मिला मिलूंगे 40-40 लोग बैठे हुए हैं। किस्सा आपने भी सुना होगा उसका, मैं नहीं रिपीट करना चाहता। तो ये हालात आज बने हुए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनते हैं आपको, हम सबको मालूम है। कई लोग तो घर बैठे हुए बना लेते हैं, लाइसेंस बना लेते हैं। अरे भाई, ये जो लाइसेंस दे रहे हो उसके बाद में ये कितने की जिंदगी से खेलेगा किसी को पता है क्या? लाइसेंसिंग पर अभी मैं बॉम्बे गया था, बॉम्बे में एक एनजीओ का ऑफिस चला गया जिसने कोई 80 साल पहले एनजीओ शुरू किया था चर्च गेट पे ही। मैंने देखा वहाँ पर वेल क्यूब स्टिमुलेटर लगे हुए हैं ट्रेनिंग देने के, सब तरह की ट्रेनिंग वहाँ होती है। इन बातों को भी ध्यान देना पड़ेगा। और अब बात करते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2010 के भाषण की, तो गहलोत ने 19 जनवरी 2010 को जयपुर में विकास और विरासत संगोष्ठी को संबोधित किया था। इस संगोष्ठी में गहलोत ने क्या कहा था, आप भी सुनिए। विरासत चाहे किसी मुल्की की हो उसकी हिफाजत करना वहाँ के नागरिकों का कर्तव्य होता है। इतिहास हमेशा सामने रख के ही नया इतिहास बन सकता है और इसी दृष्टिकोण से इन बातों को लेना चाहिए। इसमें कोई बहस का, तर्क का, कुतर्क का कोई गुंजाइश नहीं होती है। हकीकत क्या रही है, सदियों से चली आ रही है, उसको अगर हम जिंदा रखेंगे तो नया इतिहास रचने में आसानी रहेगी। आने वाली पीढ़ियों को भी लगना चाहिए कि विरासत क्या थी हमारे देश की, हमारी दुनिया की, और हम कहाँ पहुँचे, किस प्रकार का रास्ता हमने तय किया है। इसलिए हमेशा विरासत के प्रोटेक्शन की बात की जाती है। इस दृष्टिकोण से मैंने हमेशा विरासत को देखा है और पिछली बार भी जब सरकार में थे तब भी विरासत को लेके जो वॉक हुई थी उसमें मैंने भाग लिया था। पूरे देश के अंदर उसका एक अच्छा संदेश गया कि राजस्थान और जयपुर में पहली बार विरासत को लेकर के वॉक किया। मुख्यमंत्री खुद ने हमारे गली में गए, मॉलों में गए, उसके बाद में मुझे कहते हुए दुख है कि वो काम जिस उद्देश्य से श्रीमती फिलिस्टीन ने इनके साथ जब शुरू किया कि वहाँ पे कलाकार हर शिल्पी बैठेंगे, विरासत की वॉक में आएंगे हमारे देश और विदेश के पर्यटक, उनके रूबरू होंगे, देखेंगे उनके काम को, उस मार्ग को देखेंगे, वो धीरे धीरे बंद हो गया। इसलिए जब अभी 7 दिन के प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम इस संदेश को जब तक आम जन तक नहीं पहुँचाएंगे कि विरासत का महत्व क्या है, विरासत का कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है और क्यों हम इसको जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहस हो सकती है कि विरासत के अंदर किले भी आते हैं, हवेलियाँ भी आती है,
घर भी आते हैं तो कुछ लोगों को लगता है ये गढ़ और किले की क्या मतलब है कि इनको लाखों करोड़ों पे सगाई कर रही है या इनको हेरिटेज होटल का रूप दे रही है, सरकार ने बड़े करोड़ों को लोन दे दिए, ये आलोचना भी चलती रही। क्योंकि हम जनता को ये बात समझाने में कामयाब नहीं रहे कि इसके पीछे क्या भावना है कि अगर ये किले और ये गढ़ या हमारे जो पुरानी हवेली हैं, चाहे वो जैसलमेर की हो चाहे वो शेखावटी की हो, अगर इनको हम लोग प्रोटेक्शन देंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी उस पीढ़ी को भी आगे वाली पीढ़ी को भी लगेगा कि 500 साल पहले 1000 साल पहले हमारा प्रदेश क्या था, हमारे जिले में क्या थी, शेखावटी अंचल में क्या था। तो नई बात सीखने में और नया संकल्प लेने में आसान मिलेगी। इसलिए विरासत में इतिहास में क्या हुआ है उसको हमेशा सामने रख के ही नए फैसले संभव हो सकते हैं। इस रूप में अगर हम लोग सोचें तो मैं समझता हूँ कि सही रास्ता निकलता है आम जनता को जोड़ने का। और जब तक उसको नहीं जोड़ेंगे हम लोग, चाहे कितनी बड़ी बात हम कर रहे हैं, हम लोग विषय के विशेषज्ञ हैं, हमारा कमिटमेंट भी है, हमारी रुचि भी है, हम कुछ करना चाहते भी हैं, हमारे मन में संतोष भी होता है कि नहीं हमने अपने जीवन में कर्तव्य पूरा किया, विरासत को लेकर के जो हमारी थीम थी उसमें आगे बढ़े, हम लोग कॉन्फ्रेंस की, हमने कुछ विकार के काम भी करवाए, ये हमारे खुद के संतोष का विषय हो सकता है, परंतु ये आम जन के संतोष का विषय नहीं हो सकता है। ये आने वाले वक्त में जो आपकी कल्पना है कि इस विरासत को लेकर के आप जो करना चाहते हैं उसका लाभ कैसे मिले, उसका विषय नहीं हो सकता जब तक कि हम इन तमाम बातों की भावनाओं को जनता तक नहीं पहुंचाएं, उसको महत्व तो नहीं समझा। पिछली गवर्नमेंट के वक्त में मैंने देखा कि राजस्थान दिवस मना रहे थे, जिसको आलोचना करने का कोई विषय हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रदेश का भी देश का भी आजादी का दिवस हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हम लोग सब मनाते हैं, हर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, पर लोगों में एक आलोचना बनी रही। हम लोग विपक्ष में थे, हमें भी कहने का मौका मिल गया कि भाई आप 7 दिन तक जो जिस प्रकार से प्रोग्राम कर रहे हैं, करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं और आम जनता का उसमें जुड़ाव नहीं है, और आज तक आजादी के 60 साल तो हो गए, चाहे कोई भी सरकार रही हो यहाँ पर, वो मनाती है राजधानी दिवस 1 दिन के लिए मनाती है, एक संदेश देने के लिए खुशी का मौका होता है, मुबारक मौका होता है, पर 7 दिन में जो जिस रूप में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा, क्या वो आम जनता जो 6.5 करोड़ की आबादी है उसका उसके कोई संबंध रहा क्या, उसका जुड़ा हुआ क्या, उसको लगा क्या कि नहीं हम सब के लिए गर्व की बात है, इस रूप में हम लोग सब उसमें भागीदार बने, किसी की सूरत चाहे कोई गाँव में बैठा हुआ आदमी है या जिले में बैठा हुआ है, उसकी कमी के कारण से आलोचना का एक मौका मिलेगा। तो मैं आपको ये आग्रह करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी सोच है, इस सोच को परिणाम में परिणित करने के लिए हम लोग जो थीम आपने दी है विरासत और विकास, विकास और विरासत, मैं बैठा सोच रहा था विकास एवं विरासत, ऐसे तो थीम अच्छी है पर शब्दों से ही मैसेज जाता है। ये कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के लिए बात की, देश के अंदर आजादी की बात से, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, उसके असूल रहे गांधी जी के जमाने से, पर सोनिया गांधी जी ने नारा दिया कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, उसका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैसेज गया पूरे मुल्क में, हर गरीब को लगा कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ मतलब मेरे साथ में है, ये संदेश देना चाहती पार्टी। उसी रूप में मैंने देखा विकास के लिए विरासत, अगर ये ध्वनि निकले तो एक आम आदमी को लगेगा कि जो विरासत का जो कंसेप्ट है ये खाली कोई एलाइट क्लास का नहीं है या कोई
जो इसमें रुचि रखते हैं खाली उनके लिए नहीं है, बल्कि रुचि रखने वाले विशेषज्ञ हैं जो जिंदगी भर अपना वो खपा रहे हैं। जैसे फीर सिंह जी हैं, मिस्टर जॉन बैठे हैं, जॉन सिंह बैठे हैं, या आप लोग जितने भी आए हुए हैं, उन तमाम लोगों का उद्देश्य विकास को समर्पित है। और विकास से पढ़ने के आते हैं, विकास का माने हैं प्रदेश का विकास, आम आदमी का विकास, तो उससे लोग जुड़ेंगे। बिना जुड़े हुए हेरिटेज वॉक की स्थिति बनी। अभी मैं थोड़े दिन पहले ही श्रीमती फेज सिंह जी से और जोन साहब भी मेरे को मिलने का अवसर मिला और चर्चा हो रही थी, तो लगा कि उस वक्त जो शुरुआत हुई थी तो लगा ऐसा कि वास्तव में एक तरफ ग्राम में खाली हो रहे हैं, अवैध निर्माण हट रहे हैं, बड़े रूप में काम शुरू हुआ है जयपुर में, धीरे धीरे फिर सब संभागीय। जो आपने कहा भी है कि जो नौ सांस्कृतिक क्षेत्र आपने जो सेलेक्ट किए हैं, सब जगह कुछ काम करना चाहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।